ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जिला कमेटी ने पलामू के 6 मुहान पर प्रतिरोध किया है। उनका आरोप है कि मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर देने का मतलब निचले पायदान के छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने जैसा। इन दिनों धान की कटाई चल रही है, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, लिहाजा पेट की आग बुझाने के लिए ये दिहाड़ी मजदूर रांची का रुख करते हैं। लेकिन हर दिन इन्हें रोजगार नहीं मिलता और हाथ लगती है तो बस निराशा। इनसे बात की सहयोगी अजय लाल ने। विभिन्न चौराहे पर सुबह सुबह बड़ी संख्या में आपको दिहाड़ी मजदूर, भवन निर्माण से जुड़े मजदूर मिल जाएंगे। इनके लिए खुशियां तब आती है जब इन्हें कोई काम देने वाला इनके सामने आता है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहती है। मैं अपने सहयोग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं। बड़ी संख्या में रेजा बहने काम की तलाश में यहां रहती हैं। नवंबर का महीना गुजर गया, दिसंबर के महीने में हम लोग हैं। नवंबर के महीने में कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें 10 दिन 5 दिन 7 दिन ही काम मिल पाया। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग कुम्हरिया से हैं। पिछला नवंबर महीने में कितना दिन काम मिला आप लोगों को? वही 9 से 8 दिन किए हैं। 8 दिन काम किए तो कैसे परिवार चलता है, क्या कहना चाहेंगे? कहा कीजिए, वैसे ही चलाते हैं, किसी हाल से चलाते हैं। बोलिए चाचा, क्या कहना चाहेंगे? तो यही बात है, जो काम धंधा उसी चल रहा है, क्या कीजिएगा। और काम नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं उस दिन? उस दिन घर जाते हैं, घर घूरते हैं, घर वापस आपस। भाड़ा लगता है 60 रुपया। इधर आइए आइए दीदी। दीदी कहाँ से हैं आप? और मांझी तरफ से आते हैं। अच्छा, कौन गाँव? कुचू बस्ती से। तो पिछला महीना कितना दिन काम मिला? वही 10-15 दिन मिला। और काम नहीं मिला तो फिर क्या करती हैं आप लोग? भाड़ा लगा के घूर जाते हैं घर। कहेंगे काम मिला? नहीं मिला। क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वैसे ही वापस जाना पड़ता है। भाड़ा लगता होगा? हाँ, भाड़ा तो लगता है। कितना पैसा? 40 रुपया। 40 रुपया लग जाता है। काम मिला भाई? अभी नहीं मिला है। उम्मीद है? अब देखिए, अभी आधा घंटा टाइम है, देखते हैं। काम मिला? काम कहाँ मिल रहा है, बालुए बंद था इतना दिन से, 8 महीना से हम लोग बैठा ले है। तो जो काम बंद कर दिया वो लोग खोलेगा, फिर धीरे धीरे खोलेगा। वही तो बालुए के चलते पूरा दिन काम, अभी तो काम ही नहीं मिल रहा है, वैसे तो रहना है। का चेहरा देखेंगे, इन मजदूरों की आंखें देखेंगे तो आपको खुशियां कहीं से दिखाई नहीं पड़ेगी। महीना गुजर जाता है, हाथ में 5,000 रुपये भी नहीं आ पाते। महंगाई ऊपर से अलग परेशान कर रहा है। जाहिर सी बात है, इनको संगठित करके रोजगार से जोड़ने की जरूरत है, लेकिन पहल कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल राजधानी रांची के तमाम चौराहे पर ऐसे ही भवन निर्माण से जुड़े मजदूर काम की तलाश में रहते हैं। कुछ खुशनसीब होते हैं जिन्हें काम मिल जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैरंग वापस अपने गांव लौट जाते हैं। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।